समाज में कैसे बनी पहचान, संघर्षों से सफलता तक, फर्ज से अर्ज तक की पूरी दास्तान देखिए व्यक्ति विशेष में सिर्फ प्रत्येक न्यूज लाइव पर। सासाराम के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष शिक्षकों ने रात में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। इन शिक्षकों का कहना है कि ये लोग प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक हैं, सरकार ने उन लोगों को प्रशिक्षण कराया लेकिन उसके बाद उनके वेतन में जो निर्धारित वृद्धि करनी थी वह पिछले एक साल से लंबित है। आज अधिकारियों द्वारा इस संबंध में समस्त बाधा दूर करने की बात कहकर बुलाया लेकिन देर शाम तक जब कोई प्रक्रिया नहीं पूरी की गई तो अंततः वे लोग कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए। जब तक उन लोगों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर दी जाएगी तब तक वे लोग धरने से नहीं उठेंगे। टीटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप डिसूजा इस धरना का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं लेकिन मनमानी पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। लोग इसलिए बैठे हैं कि टीटी शिक्षकों का ट्रेनिंग किए हुए लगभग एक से डेढ़ साल हो गया और उनको ट्रेंड का अभी तक वेतन निर्धारण नहीं हो सका, जिसके चलते ट्रेंड होने के बावजूद भी अनट्रेंड का वेतन लेने के लिए मजबूर है, जिसमें कि हर महीने 9 से 10 हजार रुपये का नुकसान हो रहा है सभी शिक्षकों को। डीओ डीपीओ जो है डेढ़ साल से चला रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि आज करेंगे कल करेंगे, ऐसे करते करते एक साल बिता दिया, अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ। और हम लोग 27 तारीख को आखिरी बार जब वार्ता किए थे तो उन्होंने 28 तारीख से कर देने का संकल्प दिया था और वादा किया था लेकिन उनका वादा फेल हो गया, जिसके कारण आज हम लोग ये जो है कदम उठाए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि अब आर पार की लड़ाई हो, उनको करना होगा। और उन्होंने अभी कहा कि 8 बजे रात तक कर देंगे लेकिन अभी भी 8 बजे रात तक लोग नहीं आया और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कब तक रहिएगा बैठे हुए? अभी तो जब तक हो ना जाए। उन्होंने कहा है कि हम आज 10-20 चाहे जितना भी हो कम से कम मैंने शुरुआत कर दे, और हम लोग भी ये देखना चाहते हैं कि 10 ही हो जाए, 15 ही हो जाए, शुरुआत आज हो जाए फिर हम लोग अपना चले जाएंगे। शुरुआत कर दे कम से कम, अगर उनके अंदर बात पर जो है विश्वास है और अगर कोई अंदर तरीके से कोई दूसरी बात नहीं है तो काम करने के लिए हमारे अधिकारी हैं, हम किसके पास जाएंगे? जब वो काम करने के लिए यहाँ पर नियुक्ति की गई है उनके, वो काम नहीं कर रहे हैं तो आखिर जाएंगे किसके पास हम लोग? इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हर हाल में आज उनको काम 10-15-20 चाहे जितना करे वो शुरुआत कर दे हम लोग के सामने। अगर नहीं आएंगे तो रात और बैठेंगे? जी, हम लोग अब रात बैठेंगे और कल से फिर लगातार जो है चलेगा। और इसकी सूचना हम लोग वरीय पदाधिकारी डीएम तक हम लोग डीएम साहब को भी खबर कर देंगे और आगे भी हम लोग देखेंगे इसको करेंगे।